इसमें कहीं पर गिवन नहीं कि टोटल कितने लोग हैं, तो हम लोग केस तो पता नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या कीजिए, इसको नॉर्मल मान लीजिए, एक बार इसको नॉर्मल केस मान लेते हैं। तो नॉर्मल में टोटल का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल में टोटल का फॉर्मूला होता है एल लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट कितना है 12, 12 प्लस 16 प्लस बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, कितना हो गया 33। लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते कि 33 ही होगा, क्योंकि इसमें केस पता नहीं है। ये जो रैंक दिया हुआ है ना, लेफ्ट से 12 है, तो कहीं ये थोड़ी ना लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड में ही बैठा हुआ है 12 नंबर है, और ये राइट साइड में बैठा हुआ 16 है। ये ऐसे भी तो हो सकता है, देखिए इस तरह से लेफ्ट से देखने पर 12 है तो उधर भी तो जा सकता है ना, और राइट से देखने पर, राइट साइड में नहीं है बस राइट से देखने पर 16 नंबर पर है, ऐसा भी हो सकता है। और बीच में 5 लोग हैं, बीच में 5 लोग हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल केस, ये नॉर्मल का डायग्राम हो गया, इससे 33 आ गया। ओवरलैपिंग भी हो सकता है, तो ओवरलैपिंग केस, तो ओवरलैपिंग केस में टोटल का क्या फॉर्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस 2, ठीक है, बिटवीन प्लस 2, बिटवीन प्लस 2। तो लेफ्ट और राइट को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 2 18 10 28 28 माइनस बीच में कितना 5 है तो 7, 28 में 7 देगा तो कुछ नहीं 21, कोई जरूरी नहीं कि 21 ही होगा, क्योंकि इसमें केस पता नहीं है। इफ टोटल इज नॉट गिवन देन इट कैन बी नॉर्मल और ओवरलैपिंग केस, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा या तो 33 या फिर 21, ठीक है। लेकिन यदि मैक्सिमम पूछेगा कितने लोग हैं, मैक्सिमम तो मैक्सिमम हो जाएगा 33, अब बोलेगा मिनिमम कितने लोग हैं तो मिनिमम हो जाएगा मिनिमम 21 हो जाएगा। तो मिनिमम मैक्सिमम पूछा नहीं, केवल टोटल बोल रहा है, तो डाउट में हम लोग कौन सा केस है, इसीलिए इधर और आंसर हो जाएगा, ठीक है।